नगर निगम द्वारा सोमवार को जब्त किए गए सामान को छुड़ाने आज महानगर अध्यक्ष केएम अरोड़ा अपने समर्थकों के साथ नगर निगम पहुँचे। इस बीच उन्होंने नगर निगम में महापौर को बताया कि गलत तरीके से नगर निगम कर्मचारी सामान को जब्त कर रहे हैं, अगर इसी तरह से चलता रहा तो वह आगे आंदोलन को मजबूर होंगे। इस मौके पर भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। देखिए, अतिक्रमण अभियान, अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, अच्छी बात है। रोडें क्लियर होनी चाहिए, आम रास्ते में कोई हिंट्रेंस ना हो, हम भी साथ देने को तैयार हैं। लेकिन अतिक्रमण जो कर्मचारी गए उसमें मेरे साथी लोग थे, उनकी दुकानों में जो तोड़फोड़ की वो तो की, वहाँ का सामान भी उठा के ले आए। अगर कोई सामान डिस्प्ले के लिए बाहर रखा है, व्यापारी रखते ही हैं, पूरे बरेली क्या पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाओ दुकान से बाहर डिस्प्ले को कुछ सामान रखा जाता है। अगर कोई डिस्प्ले का सामान रखा है उसको उठा के ले जाना बिल्कुल गलत है, और इसके लिए हम लोगों ने आज खूब विरोध प्रकट किया है। हाँ, सुनने में तो आया है, लेकिन होता क्या है कि जितने कार्यकर्ता होते हैं वो कुछ बड़ा चढ़ा के भी कभी कभी बताते ही हैं, है ना। तो मैं, मुझको लगता नहीं है कि कर्मचारियों ने ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन अगर किया है तो उसको भी हम, अगर वीडियो मुझको देखने को मिल गई तो उससे भी पूछताछ होगी। नहीं, ये गलत है, तभी तो मुझे आना पड़ा। मैं इन मामलों में पढ़ता नहीं हूँ, दखलंदाजी नहीं करता हूँ, लेकिन जब मुझको कल ये सब पता लगा और लगा कि ये बहुत बड़ी नालायकी की है, गलती की है कर्मचारियों ने, तभी मैं यहाँ आकर आज नगर आयुक्त जी से मिला हूँ और सारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। जो व्यक्ति इसमें जिम्मेदार है, जो कर्मचारी निगम का जिम्मेदार है, वो आज के बाद किसी भी अतिक्रमण अभियान वाले उसमें नहीं जाएगा। दूसरा, जितना सामान जब्त किया गया है वो तुरंत प्रभाव से वापस किया जाएगा, यही निर्णय है अभी तो, और आगे देखते हैं कि अगर अतिक्रमणों में कहीं कोई गड़बड़ियाँ होती हैं तो उसको हम रोकेंगे। थाना मीरगंज पुलिस द्वारा खुक्कात ड्रग माफिया शाहिद और कल्लू के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का आयोजन पंजीकृत किया गया था। उसके बाद उसके परिवारजन द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई 9,99,00,000 रुपये की चलाचल संपत्ति को चिन्हीकरण किया गया था। जिलाधिकारी द्वारा आदेश होने पर आज उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया, उसके खिलाफ जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। तो गैंगस्टर एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत इसकी 14(1) गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत इसकी अवैध संपत्ति जो इसने अपराध से खारिज करके अर्जित की है, उसे जिलाधिकारी महोदय ने अपने आदेश दिनांक 27/8/2022 को उक्त संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया गया है, तथा एसडीएम बीरगंज महोदय को उसका प्रशासक नियुक्त किया गया है। इस संपत्ति को बेचने वाला, खरीदने वाला और उसका उपयोग करने वाला तीनों इसका उपयोग नहीं, इसको यूज नहीं कर सकते हैं। यदि ये करेंगे तो इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थाना मीरगंज की पुलिस के द्वारा कुख्यात ड्रग माफिया कल्लू डॉन उर्फ शाहिद पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, तथा उसके और उसके परिवार के द्वारा जो ड्रग से अवैध रूप से उपार्जित संपत्ति थी उसका चिन्हीकरण किया गया था। इसके संदर्भ में उसकी 9.19 करोड़ की अवैध रूप से उपार्जित संपत्ति चिन्हित की गई थी, जिसको आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अटैच किया गया है। आज क्षेत्राधिकारी मीरगंज और एसडीएम मीरगंज के द्वारा उक्त जब्तीकरण की कार्रवाई कराई गई है। पिछले 9 माह में अब तक बरेली पुलिस लगभग 108 करोड़ की संपत्ति ड्रग माफियाओं से अंडर 68F NDPS में तथा 14 गैंगस्टर एक्ट में जब्त कराने की कार्रवाई कर चुकी है। संविदा कर्मचारियों को वेतन न देने पर संविदा कर्मचारियों ने आज सेठ दामोदर सूर पार्क में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन ACMO को दिया।
भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय चौहान है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय विरोधल उत्तर प्रदेश भारत का। आज किस मांगों को लेकर आप दामोदर पार्क में करते हैं? आज इस समस्याओं को लेकर, इन मांगों को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। माननीय जेम्स साहब के माध्यम से हम आज मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन देंगे। उन ज्ञापन में हमारी प्रमुख मांगे ये इस प्रकार है कि संबंधित जो फर्में इस समय ठेका पे कार्य कर रही हैं और जो सारे कर्मचारियों को अपने एजेंसी के माध्यम से डोर टू डोर कूड़ा उठाने का कार्य करवा रही हैं, जो कि पूरा का पूरा वेतन नहीं दे रही हैं। तीन तीन महीने का इन लोगों का वेतन जो है वो मारा गया है। जब इन्होंने वेतन की मांग करी तो ठेकेदार द्वारा इन सबसे संग अभद्रता की गई। उनसे ये कहा गया कि ऐसा है 3 करोड़ रुपये का जो बकाया है वो मेरा नगर निगम ने चुरा कर रख लिया, नगर निगम ने मार लिया है, तो मैं कहाँ से दूँ? तो अब आप लोगों की जो सैलरी है नगर निगम देगा। हम सब लोगों ने जब कल नगर निगम में वार्ता किया पर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह जी से, तो उन्होंने ये कहा कि भाई 2 दिन के अंदर मैं उसका ठेका कैंसिल करके आप लोगों की सैलरी दिलवाने के लिए जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब कल के डेट में उन्होंने ठेका कैंसिल करना है लेकिन उन्होंने आज कोई भी कार्रवाई नहीं की है, ऐसी हमें जानकारी है और संपूर्ण जानकारी है। इसके बाद आज हम अपनी शिकायत डीएम साहब से करने के लिए आए हैं जिससे कि हम सभी को न्याय मिल सके। और हमारी प्रमुख मांग सिर्फ इतनी सी है, 3-3 महीने का वेतन जो हमारा मारा हुआ है वो मिले। आगे जो कार्य किया जाएगा उसमें हमें 366.83 रुपये जो ऊपर से वेतन आ रहा है और जबकि इसमें और इंक्रीमेंट भी हुए हैं, ये वेतन प्रतिदिन का बढ़ भी चुका है। तो जो भी सरकारी रेट आ रहा है वो सरकारी रेट मिले, इतनी सी हमारी मांग है। आज आप किसको ज्ञापन देंगे? हम माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन है डीएम साहब के माध्यम से देंगे। ऐसे कितने लोग हैं जिनको परेशानी का सामना करना? लगभग भाई साहब हजारों की संख्या में बरेली में है, चारों जोनों को मिला दिया जाए तो। लेकिन इस वक्त आपके संग जोन 2 और जोन 4 के लोग खड़े हुए हैं।